नमस्ते, मैं सीए पंकज मोदानी, रिवर फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। रिवर फाउंडेशन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, जिसे हमने ग्रीन कॉरिडोर ये नाम दिया है, इसका पांचवा भाग अभी इस साल प्रस्तुत है और अभी ये परसों ही लॉन्च हुआ है। ये मूवी बनाने के जो प्रोसेस है उसमें आपको ऑर्गन डोनेशन की जो प्रोसेस है ये पूरी जानकारी देने के लिए एक छोटा सा हमने इंटरव्यू का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस में जो आपको नॉलेज मिलेगा उससे एक अच्छा वीडियो बनने की हम आशा रखते हैं। इसके लिए हमारे साथ वॉलेंटियर ऑफ रिवर फाउंडेशन ममता जी शाह मैम है साथ में, ये हमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे और हम इनके नॉलेज का फायदा लेंगे। सो वंस अगेन वेलकम ममता जी। हम थोड़ा सा अवेयरन ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर समझना चाहते हैं, क्या है वो? सबसे पहले तो ममता सर, मैं आप सभी को नमस्ते कहना चाहूंगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया। मैं पूरी तरह से शत प्रतिशत कोशिश करूंगी कि अवयवदान की जो जानकारी मेरे पास है मैं आपके साथ साझा करूं। तो अवयवदान की डेफिनेशन क्या है? जब कोई जीवित अथवा मृत व्यक्ति अपने अवयव पीड़ित व्यक्ति को दान करता है उस प्रक्रिया को अवयवदान कहा जाता है। तो इसमें जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति दोनों इन्वॉल्व होते हैं? तीन प्रकार के अवयवदान होते हैं सर। ओके। पहला जो होता है वो होता है जीवित व्यक्ति अपना लीवर और किडनी का कुछ हिस्सा दान करके किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। दूसरी ओर जब किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु होने पर, वह अपनी त्वचा और आंखें दान कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी जो बात है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो होती है मस्तिष्क मृत व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में मस्तिष्क घोषित किया जाता है वह अपने किडनी, लीवर, पैंक्रियास, फेफड़े, हृदय, अग्नाशय ये सब डोनेट करके 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। बाप रे, मतलब एक व्यक्ति के ब्रेन डेड या मस्तिष्क मृत्यु होने के बाद इतने लोगों को फायदा मिल सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी तक हम समझ रहे थे कि सिर्फ आंखें ही ऑर्गन डोनेशन होती है, पर ऐसा नहीं है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया तीन फेजेस होते हैं, एक नेचुरल डेथ, एक लाइव पर्सन डोनेशन ऑफ ऑर्गन और एक तीसरा होता है मेंदूमृत यानी मस्तिष्क मृत्यु व्यक्ति यानी ब्रेन डेड सिचुएशन। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? कानूनी और वैद्यकीय प्रावधानों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेत्रदानी अंगदान नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में ये समझ होती है कि नेत्रदान हो गया मतलब अंगदान, लेकिन हम बहुत सारे दूसरे अंगों को दान करके भी पीड़ित व्यक्ति की जीवन दान दे सकते हैं। सो आपने काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि काफी सारे अंग दान किए जा सकते हैं, जैसे फेफड़े हैं, हृदय है, आंखें हैं, स्किन है, और सिर्फ आंखों का ही दान मतलब अंगदान नहीं होता। अब इसमें एक सवाल मन में आता है कि बहुत बार हम नाम सुनते हुए व्यक्ति कोमा में चला गया, तो ये कोमा और ब्रेन डेड या मेंदूमृत ये एक ही है या अलग अलग है? सर, ये दोनों अवस्थाएं बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। जो व्यक्ति एक बार मस्तिष्क मृत घोषित किया जाता है उसका अर्थ है पूर्ण विराम, वह वापस जीवन में कभी नहीं आ सकता। लेकिन कोमा में गई हुई व्यक्ति वापस जीवित हो सकती है। मतलब कोमा के व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता, पर जो ब्रेन डेड या मेंदूमृत घोषित होते हैं उनका ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। शत प्रतिशत सही कहा सर आपने। अब ये जो मेंदूमृत है ये कब होता है, व्यक्ति कौन सी अवस्था में घोषित होता है? तकरीबन सर हमने देखा है सड़क दुर्घटना में बहुत सारे आघात हो जाते हैं और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब वहां पर हॉस्पिटल में उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसके अंगों को कृत्रिम रूप से जीवित रखा जाता है। किसी आघात के दौरान जब व्यक्ति को सिर पे चोट लग जाती है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान वेंटिलेटर पर उसे रखा जाता है। कुछ परिस्थितियों में वेंटिलेटर शुरू होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे मस्तिष्क मृत डॉक्टरों द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये एक कंडीशन होती है।
और दूसरी जो अवस्था होती है, किसी को मानसिक कोई रोग हो या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाता है, ऐसी व्यक्ति को भी तकलीफ हो जाती है, तो उन्हें भी बाद में मस्तिष्क मृत घोषित किया जाता है। ममता जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी सभी को कि मेंदु मृत यानी ब्रेन डेड क्या होता है, पर ये पूरा जो प्रोसेस है ऑर्गन डोनेशन का शुरू से एंड तक, क्या हमें बता पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। हॉस्पिटल में जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क मृत घोषित किया जाता है, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो परिवारजन होते हैं, उनसे सहमति लेना ये अति महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है। उनके हस्ताक्षर के बिना ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो जब डॉक्टर्स उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये व्यक्ति मस्तिष्क मृत हो गया है, तो उसके परिवार कंसेंट फॉर्म पे साइन करके देते हैं। काउंसिलर का इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। काउंसिलर उस परिवार के लोगों को अवयव दान का महत्व समझाता है कि अंगदान क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है। जब वो उनको समझ आ जाता है, उसके लिए वो हामी भर देते हैं, तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ZTCC जो है, उनके पास जरूरतमंद व्यक्तियों की एक सूची बनाई हुई रहती है, उसी के अनुसार उन्हें एक सूचित किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर उस व्यक्ति को बताया जाता है कि आपका जो रिसिपिएंट और डोनर है उसका मैच मिल गया है। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुलिस, एम्बुलेंस, इन सभी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र जल्द से जल्द उस अवयव को जो निकाला है दाता के शरीर से, वो पीड़ित व्यक्ति के वहां पर दूसरे सिटी में पहुंचाया जाता है। उस प्रक्रिया को ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। तो आपने ममता जी बहुत इम्पोर्टेंट बताई प्रोसेस की, यहाँ पे काउंसिलर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंट के रिलेटिव्स की कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये ग्रीन कॉरिडोर के बारे में थोड़ा और बताइए। सर, बहुत ही सादी भाषा में कहना चाहूँ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है और प्रत्यारोपण किया जाता है, उस प्रक्रिया को ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। तो जैसे कि सभी अंगों के लिए कुछ समय रहता है, मर्यादित समय रहता है, और उस सीमित समय में उसे दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो पुलिस की भूमिका इसमें बहुत अहम होती है। रास्तों को खाली किया जाता है, पुलिस वो रास्ते क्लियर करते हैं, और फिर एम्बुलेंस के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर पर अंगों का आदान प्रदान होता है, और एम्बुलेंस कभी कभी हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया जाता है। तो शीघ्रातिशीघ्र प्रत्यारोपण होना बहुत जरूरी है, इसी प्रक्रिया को ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। तो आपने जो ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बताया, मुझे याद आया कि मैंने एक मूवी देखी थी ट्रैफिक नाम की, तो जिसमें एक अंग को दूसरे जगह पे एक दूसरे सिटी में लेके जाया जाता है और उसमें आने वाली कठिनाइयां, तो जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनका रोल इसमें काफी क्रुशियल है, जो पुलिस मशीनरी इन्वॉल्व है उनका रोल काफी क्रुशियल है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थोड़ा सा कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में है, मेरे भी मन में कुछ गलतफहमियां है, तो वो मैं दूर करना चाहूंगा। ये जो प्रोसेस है पूरा, क्या इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ बायसनेस आता है? सर, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी भ्रांतियां है अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे स्त्री पुरुष, जाति भेद, गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखा जाता है। मेरे मन में एक सिर्फ जो भाव उठाए वो मैं कहना चाहूंगी, अवयव दान से होगी क्रांति, जरूरतमंद के घर आएगी सुख शांति। तो हर जरूरतमंद व्यक्ति को अवयव की जरूरत है, तो जो भी मृत व्यक्ति के परिवारजन सहमति दे देते हैं और उनके अवयव जो प्राथमिकता की सूची है उसी के आधार पर उस तक पहुंचाए जाते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट इसमें फॉलो की जाती है, ना कि किसी का प्रेशर नहीं होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर कुछ लोगों का कहना है कि एक बार अंगदान हो गया तो जो लास्ट राइट्स होते हैं पेशेंट्स के, वो क्रियाकर्म होते हैं आखिरी, वो हम नहीं कर पाते, तो ये क्या सच है? सर, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंगदान जिस व्यक्ति को मस्तिष्क मृत घोषित किया गया है, उस व्यक्ति को बड़े ही सम्मान पूर्वक उसके अंगों को निकाला जाता है और उसके बाद उसके परिवार को उसके पार्थिव शरीर को सौंपा जाता है। उसके बाद सम्मान के साथ वो अंतिम क्रिया पूरी तरह से निभा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लोग ताकि आगे आएंगे और वो अपना
योगदान इस प्रोसेस में देंगे और जो अपनी आखिरी अंतिम क्रियाएं होती है वो भी पूरी कर पाएंगे। मैंने कभी एक देखा था कि कोई ऑर्गन डोनेशन फॉर्म भर रहे थे और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या यही कंसेंट फॉर्म है, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता पाएंगे? सर ऐसा नहीं होता है, ऑर्गन डोनेशन जैसे कि मैंने भी फॉर्म भर के रखा है कि ऑर्गन डोनेशन पेज कार्ड है मेरे पास, ये मेरी इच्छा व्यक्त हो रही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मस्तिष्क रोग घोषित किया जाता है तो उसके परिवार का जो उसमें अहम हिस्सा होता है ना, वो उनके परिवार की सहमति और वह आवश्यक है। अगर ऐसी सिचुएशन में परिवारजन हाँ बोल देते हैं तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और प्रत्यारोपण आसानी से हो सकता है। मतलब ऑर्गन डोनेशन फॉर्म एक प्रोसेस है जहाँ हमारे परिवार वालों को बताते हैं कि हमारी इच्छा yes, है और उसको इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनकी कंसेंट जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दिया जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आप काफी अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं और एक दो सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो मैंने कहीं पर एक क्लिप देखी थी कि वहाँ पे जो रेसिपिएंट होता है वो डोनर के रिलेटिव्स को मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या सच में होता है ऐसे? भारत के कानून के अनुसार ये अवैध है सर। कानूनी तौर पर दाता और पीड़ित व्यक्ति के रिश्तेदार मिल नहीं सकते हैं सर, लेकिन कुछ लोगों में ये रहता है कि मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी अनुमति भारत के संविधान में नहीं दी गई। मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है बिल्कुल, और डोनर दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिथ आपने आज बस्ट कर दिया। आपने हमारे काफी सवालों के जवाब दिए, काफी क्लैरिटी दी। थोड़ा सा मैं रिबर्थ और शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के बारे में बताइए। भारत में अंगदान करने वाली व्यक्ति और जरूरतमंद व्यक्ति, इसकी जो अनुपात है ना सर, वो 10,000 व्यक्ति वेट कर रहे हैं और मात्र देने वाली व्यक्ति एक ही है, तो इस गैप को कम करने के लिए रिबर्थ ने बीड़ा उठाया है। अंगदान का प्रचार और प्रसार करना यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो पिछले कई सीजन से हम शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन का आयोजन करते आ रहे हैं जिसमें आपको छोटी सी 3 से 5 मिनट की मूवीज बनानी है और ऑर्गन डोनेशन अवयव दान को जागरूकता फैलाने के लिए भारत के कोने कोने में हमें इस बात को पहुंचाना है। और क्षेत्रीय फिल्में तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रावधान होगा क्योंकि हर कोई अपनी भाषा में आसानी से उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि रिबर्थ के ग्रीन कॉरिडोर शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन में आप जरूर हिस्सा लीजिए और इस नेक कार्य में आप हमारे साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़िए और आपको ये मूवीज बनाने के बाद बहुत सारे अलग अलग प्राइज भी दिए जाने वाले हैं, बहुत सारे इनाम भी रखे गए हैं। आप चाहे तो हमारी www.rebirthtrust इस वेबसाइट पे जाकर भी अपने सारे सवालों को देख सकते हो, वहां पे आप अपना नाम सूचित करा सकते हो। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूंगी कि आप छोटी मूवीज बनाइए, शॉर्ट फिल्म मूवीज बनाइए और आपका सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए कि भारत में एक भी इंसान अवयव के अभाव में अपनी जान नहीं गंवाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद और प्लीज आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप ये मूवी बनाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद सुमता जी, आपने काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें दी, पूर्ण इंफॉर्मेशन ऑर्गन डोनेशन के बारे में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इसकी अधिक माहिती के लिए आप www.rebirthtrust.org इस संकेत स्थल पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्म भरिए, अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतिए और अपनी जो ऑर्गन डोनेशन की मूवी है उसको पूरे इंडिया में थ्रूआउट इंडिया वायरल कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्राइजेस हैं, जो रीजनल मूवीज बनाएंगे उनके लिए भी अलग अलग प्राइजेस हैं, तो पूरे प्राइजेस का भी लाभ उठाइए, मूवी मेकिंग का भी आनंद लीजिए और इस शुभ कार्य जो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस है उसमें भी आपका हाथ बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वार्तालाप करते करते कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आई है। मन की गहराइयों से ये आवाज उठ रही है, मन की गहराइयों से ये आवाज उठ रही है, रिबर्थ भारत के इतिहास में अपना परचम फैलाएगा, एक भी इंसान अवयव के अभाव में अपनी जान नहीं गवाएगा, अपनी जान नहीं गवाएगा। दोस्तों मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अपने अवयव दान कर हम दूसरों की जिंदगी में खुशी
खुशियां जरूर भर सकते हैं, यही रिवर के ध्येय को सार्थक करता है। धन्यवाद।